गोरखपुर और बांसगांव सीट पर 19 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के पांचवें दिन शुक्रवार को बांसगांव सुरक्षित संसदीय सीट के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेश राम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में बने बांसगांव संसदीय नामांकन कार्यालय में पहुंचकर एआरओ व जीडीए उपाध्यक्ष अमित बंसल के समक्ष पहुंचकर नामांकन किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेश राम ने कहा, उधर ही देखिए आप, उधर ही देखिए, इधर नहीं देखिए। देखिए मुद्दे तो हमारे पास इस समय विकास के मुद्दे हैं, जो गोरखपुर के अंतर्गत बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में, उसमें मैंने देखा कि विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। आज इसीलिए मुझे राजनीति में आना पड़ा और मैं राजनीति में आकर के विकास का, इस क्षेत्र का विकास करना चाहता हूँ। और जो पिछड़े वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, जो समाज से काफ़ी कटे हुए हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करने का पूरा मैं प्रयास करूंगा। आप किसे फाइट मान रहे हैं? आप फाइट में हैं, आप कितनी फाइट तो जनता बताएगी। कितनी आप 50,000 से लेके 1,00,000 तक के मैं उम्मीद रख रहा हूँ।